कुलगाम यारीपोरा में सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमने ब्लड डोनेशन कैंप का इनकार किया है, जो नेशनल ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज़ किया है। उसमें यहाँ की जो लोकल यूथ हैं उन्होंने इसको भरपूर सपोर्ट किया है। नेशनल ह्यूमन राइट्स का मकसद यही है कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में, हर ब्लॉक में ये ब्लड डोनेशन का काम होना चाहिए, और साथ में ब्लड डोनेशन कैंप जो भी जवान ब्लड देता है उसके लिए रिजर्वेशन प्रिजर्वेशन ज़रूरी होना चाहिए। इस मौके पर मैं एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नर साहब को, चीफ सेक्रेटरी साहब को, डीजी साहब को, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ सेक्रेटरी को, साहब को, डायरेक्टर हेल्थ को भी अपील करता हूँ कि आज के बाद वो हर ब्लॉक में, हर तहसील में ब्लड बैंक का रिजर्वेशन और प्रिजर्वेशन का सेंटर बनाया जाए, ताकि लोग ब्लड देने के लिए बड़ा तैयार है। मगर लोगों का ये कहना है, यूथ का यही कहना है, वॉलंटियर का यही कहना है, जब हम ब्लड दे देंगे वो ब्लड सेफ होना और सेफ सही जगह लगना चाहिए, और उनकी एक स्लिप होना चाहिए, और बाज़ाब्ता हर महीना हर अस्पताल में एक चार्टर निकलना चाहिए, इस महीने में हमारा इतना ब्लड आया और इस महीने हमारा इतना ब्लड निकला। उससे क्या हो जाएगा, जो पूरे हिंदुस्तान में हमारे 20 करोड़ ब्लड कम पड़ा है, हर साल पड़ता है, इससे ये हो जाता है हमारा हिंदुस्तान के हर नौजवान, जम्मू कश्मीर का नौजवान ब्लड देने के लिए आगे आ जाएगा। जब उसको पता लगे कि इसमें ट्रांसपेरेंसी और एक्यूरेसी हो जाती है, इसमें कोई घोटालाबाजी नहीं होता है। इसलिए आपके मैडम से एडमिनिस्ट्रेशन को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और अपील भी करता हूँ कि जवान ब्लड देने के लिए तैयार है। हमारे पास बहुत वॉलंटियर भी है, समाज सुधार की वॉलंटियर्स है, नेशनल ह्यूमन राइट्स की है, देश का क्या बहुत, यानी कि हर कोई सोसाइटी, कोई एनजीओ है, उनको मैं अपील करता हूं कि वो आए, फ्रंट लाइन पे आए। जो आजकल ड्रग एडिक्ट्स की बीमारी फैली है पूरे हिंदुस्तान में, पूरी जम्मू कश्मीर में, घर घर काउंसलिंग करे, घर घर जाकर उनको काउंसल करे, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, स्कूलों के साथ, कॉलेजों के साथ एक कोऑर्डिनेशन करे, कोऑर्डिनेशन करने के साथ हर घर में। बड़ी खुशाइन बात है कि लोग आजकल खुद ही आ रहे हैं ये ब्लड डोनेट करने के लिए। पहले पहले लोग इससे दूर भागते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब इतनी अवेयरनेस है पब्लिक में कि वो ब्लड डोनेट करते हैं। और हमारे पास भी, हम जब भी देखते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जितनी भी हमारी, मुझे लगता है रिक्वायरमेंट है, हमारे पास इतने, उससे ज़्यादा डोनर्स आते हैं डोनेट करने के लिए। तो ये बड़ी अच्छी बात है, यही एक चीज़ है जिससे हम लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं कुलगाम? हमारी मैसेज यही रहेगी कि ये जो आज का यूथ है, ये वैसे आ रहे हैं आगे ब्लड देने के लिए, हमारी मैसेज यही रहेगी कि आगे भी आते रहें लोगों की। ये मैं इसमें कहूँगा कि खदमत खलक जिसको बोलते हैं, मुझे लगता है सबसे बड़ा अच्छा तरीका है। जब हम किसी की जान बचाएंगे, इससे बड़ी चीज़ कोई नहीं हो सकती। सर, नेशनल ह्यूमन राइट्स एनजीओ के बगैर और भी बहुत एनजीओ, हाँ, तो क्या एनजीओ नहीं है? बिल्कुल, वो भी हमारे पास आते, बिल्कुल हमारे पास आते हैं। इससे पहले भी हमारे पास, मुझे लगता है उससे ज़्यादा आई जितनी हमारी कैपेसिटी है, हमें ही रोकना पड़ता है कि आज हमें 35 सीट चाहिए, आज 20 सीट चाहिए। इसके लिए मैं कुलगाम की आवाम का, कुलगाम के लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मैंने जहाँ जहाँ भी मैं गया हूँ इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स मैंने कहीं नहीं देखा। थैंक यू। सबसे पहले मैं आप भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर इस छोटे से कस्बे में आप आ गए। कस्बा तो ये छोटा नहीं है, बहुत बड़ा कस्बा है, लेकिन अभी जो जैसे यहाँ लोगों की जो सोच है वो पता नहीं, ये समझते हैं कि शायद इसमें भी कोई राजनीति है। जबकि मैं आपको ये बात बावर कराना चाहता हूँ कि हमारा किसी भी राजनीति से या किसी भी सियासी प्लेटफार्म से कोई नाता नहीं है। ये मैं ऑनली सिर्फ इंसानियत के नाते करता हूँ। मैं इस गाँव का बारन हूँ, मैं पिछले 33 साल से यहाँ से बाहर रह रहा हूँ, वहाँ पर मैंने ये सीखा है। मैं अपनी मैडम के सिलसिले इलाज के सिलसिले में जम्मू गया था, और वहाँ पर मुझे ये सीख मिली है कि कुछ इंसानियत के लिए काम किया जाए। तब से मैंने कमर बस्ता हूँ इस काम के लिए। मुझे ऐसे ऐसे अशखास से मुतारफ हुआ हूँ कि उन्होंने मुझे थोड़ी सी सीख देकर इस काबिल बना दिया कि आज मैं इस बैनर के नीचे काम कर रहा हूँ। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स, ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, 133 मुल्क में इसकी रजिस्ट्रेशन है। और आज मेरी नोटिस में आया था कि यहाँ के लड़के कुछ नशा करते हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ ये जो प्रोग्राम है ऑर्गेनाइज़ किया है, और साथ में यहाँ के नौजवान इतने वॉलंटियर हैं कि ये बोलते हैं कि 300 नौजवान ये खून देने के लिए तैयार है, जिसमें परवेज साहब का बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने मुझे कल से पता नहीं 15-20 बार फ़ोन किया होगा, मैं अपने काम से थोड़ा बिजी था, लेकिन तब भी इन्होंने सहयोग लगाकर सुबह से ये मेरे साथ अभी कुछ खाया नहीं पिया नहीं खड़े हैं। मलिक साहब, आप ये बताएं कि आप जो मतलब ब्लड आज आपने खुद भी डोनेट किया, ब्लड तो आपने कितने बार आपने? मैंने कम से कम, ये तो मेरा 26 वाला पॉइंट है,
मतलब मैं PGI में ज़्यादा काम करता हूँ, मैं मैक्स वगैरह जितने भी हॉस्पिटल हैं इंडिया में मैं वहाँ जाता हूँ। अभी मैं हाल ही में खैबर में गया था, मैंने वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके उन्होंने मुझे पूरा वहाँ है ये शाहनवाज सर है और वहाँ के जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब हैं शौकत साहब, उन्होंने मुझे ये आश्वासन दिया कि आपके बिहाव से आपके रिगार्डिंग से जो भी पेशेंट आएगा हम उसके साथ पूरा इंसाफ करेंगे, कोई मतलब जितना भी हो सकेगा हम कंपनसेशन करेंगे। क्या मैसेज देना चाहते हैं यहाँ के लोगों को? यहाँ के लोगों को हम यही बोलते हैं कि आप भी आप इसके साथ जुड़ जाओ, ये मेरा कोई वो नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, कोई वो जैसे कोई जाती मामला नहीं है, आप आओ इसमें आप शामिल हो जाओ। आप यहाँ जैसे यहाँ CMO साहब है अंदर, वो बोलते हैं कि कोई मुझे बताए, आप यहाँ शाना बशाना इनके साथ काम करो, सामाजिक खिदमत करो, आपको अल्लाह ताला ये दुनिया से मैं भी नवाजेगा और अगली दुनिया में भी नवाजेगा।